दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ब्रेकिंग्स के बारे में बताने वाला हूं कि कितने तरह की ब्रेकिंग्स होती है और कौन कौन सी सिचुएशन में हमें इन ब्रेकिंग्स को इस्तेमाल करना चाहिए। एज अ बिगिनर हमको नहीं समझ पड़ता है कि हमें कौन सी ब्रेकिंग कब इस्तेमाल करनी है, तो आज के वीडियो में आपको ब्रेकिंग को लेकर के सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वन बाय वन सारी ब्रेकिंग्स बताने वाला हूँ। सबसे पहली ब्रेकिंग मैं बताने वाला हूँ आपको नॉर्मल ब्रेकिंग, ठीक है। पहले हम प्रैक्टिकल देखते हैं और इसको हमें कब अप्लाई करना है फिर मैं वो बताऊंगा, ठीक है। जैसे अभी मेरी गाड़ी चल रही है, ठीक है, अभी जैसे स्लो स्पीड में चल रही है, अभी मैं सेकंड गियर में चल रहा हूँ, या फिर आप समझ सकते हो ट्रैफिक में चल रहे हो। अब जैसे इतनी स्पीड पर चल रही है तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, जैसे मैंने हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करा, सामने थोड़ा सा ट्रैफिक है, मेरे को गाड़ी रोकना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले क्लच दबाऊँगा, एक्सीलेटर से पैर हटाऊँगा, फिर धीरे धीरे ब्रेक को अप्लाई करूँगा। ये हो जाती है दोस्तों अपनी नॉर्मल ब्रेकिंग। नॉर्मल ब्रेकिंग का इस्तेमाल हमें जनरली थोड़े से हल्के फुल्के भीड़भाड़ वाले एरिया में या फिर एक रूटीन ट्रैफिक में जब आप चलते हो ना, वहाँ पे आपको नॉर्मल ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं पैनिक ब्रेकिंग की, या फिर आप बोल सकते हो सडन ब्रेकिंग। कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या है प्रॉपर तरीका, ताकि आपकी गाड़ी बंद भी नहीं हो और आपकी गाड़ी रुक भी जाए, ठीक है। अभी हम चलते हैं, फर्स्ट गियर में लेता हूँ गाड़ी। मैंने फर्स्ट गियर में ली गाड़ी, गाड़ी उठाई, थोड़ा मोमेंटम बन जाए गाड़ी का, फिर मैं आपको सडन ब्रेकिंग या फिर पैनिक ब्रेकिंग करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, अब अचानक से सामने ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको अचानक से ब्रेक लेना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब ये अचानक आपको दिखा यहाँ पे, आपको क्या करना है, क्लच दबा करके ब्रेक ले लेना है ये, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अभी मैंने क्या करा, दोनों पेडल एक साथ दबाए। वो क्यों दबाए, क्लच मैंने दोस्तों इसलिए दबाया ताकि आपकी गाड़ी बंद ना हो, ठीक है, और ब्रेक मैंने सडन प्रेस इसलिए करा ताकि आपकी गाड़ी जल्दी से जल्दी रुक जाए। अब दोस्तों ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमें कब अप्लाई करना है। अब अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हो ना, तो वहाँ पे आपको ये पैनिक ब्रेकिंग नहीं लगानी है। ऐसा अगर पैनिक ब्रेक लगाओगे तो आपकी गाड़ी स्किड हो जाएगी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। अब ये सिचुएशन कब आती है पैनिक ब्रेकिंग की, जब आप ट्रैफिक में चल रहे हो, ठीक है, ट्रैफिक में चल रहे हो या फिर बहुत कंजस्टेड एरिया में चल रहे हो, वहाँ पे पैनिक ब्रेकिंग की सिचुएशन आ जाती है। अचानक से कोई बंदा आ जाता है, अचानक सामने वाले ने गाड़ी रोक दी, तो उस कंडीशन में आपको पैनिक ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है। दो ब्रेकिंग मैंने बता दी, एक नॉर्मल ब्रेकिंग और एक पैनिक ब्रेकिंग, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ हाई स्पीड ब्रेकिंग, ठीक है। अब हाई स्पीड ब्रेकिंग में क्या होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है कई लोगों को, अब वो कन्फ्यूजन मैं दूर करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक रास्ता है, मैं थोड़ी गाड़ी को हाई स्पीड में लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाई स्पीड ब्रेकिंग कैसे करना है, ठीक है। जैसे अभी थोड़ा सा जोर पकड़ते हैं अपनी गाड़ी को, मोमेंटम थोड़ा अच्छा खासा बनाते हैं, अब हाई स्पीड ब्रेकिंग समझिए, है ना। हाई स्पीड ब्रेकिंग में क्या होता है, आप हाई स्पीड में हो और आपको ब्रेक लेना है, सिचुएशन आ जाती है कि आपको ब्रेक लेना है, टर्निंग लेना है या कहीं पर भी, तो आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, ब्रेक अप्लाई करना है, क्लच दबा के गियर डाउनशिफ्ट करना है, फिर ब्रेक अप्लाई करना है। ये देखिए अपनी गाड़ी कितनी जल्दी रुक गई, ठीक है। अब बंद होने की सिचुएशन आ जाए, गाड़ी झटके मारने लगे, तो आप क्लच प्रेस कर लो। ये हो जाता है दोस्तों हाई स्पीड ब्रेकिंग। अब दोस्तों हाई स्पीड ब्रेकिंग में भी दो टेक्निक होती है। पहली टेक्निक होती है जिसमें आप डाउनशिफ्ट नहीं करते हो, ठीक है, सिर्फ ब्रेक अप्लाई करते हो जब गाड़ी स्टॉल होने लगती है या झटके मारने लगती है, जब आप गियर डाउनशिफ्ट करते हो, एक ये टेक्निक हो गई। और एक दूसरी टेक्निक होती है जिसमें आपको गियर डाउनशिफ्ट करते हुए जाना है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा कि हाई स्पीड में, अगर बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में हो, जल्दी गाड़ी रोकना है, तो गियर डाउनशिफ्ट करते हुए समय हम हाई स्पीड में कैसे ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है। ये दो तरीके हो गए, मैंने आपको ये दोनों तरीके इसमें इस वीडियो में छोटे छोटे बता दिए। अब एक ब्रेकिंग और होती है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, वो क्या होती है दोस्तों, इंजन ब्रेकिंग। अब उसको कैसे अप्लाई करना है वो समझिए, और फिर इसको कहाँ अप्लाई करना है मैं वो चीज़ भी बताऊँगा, ठीक है। अभी मैं इंजन ब्रेकिंग का बताता हूँ, यहाँ से यू टर्न लेता हूँ और फिर आपको मैं बताता हूँ। आप नॉर्मल स्पीड पर चल रहे हो, अब आपको ब्रेक नहीं लगाना है, लेकिन आपको इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है, तो आप एक्सीलेटर से पैर हटा लेंगे, है ना, उसके बाद क्लच दबाएंगे, डाउन शिफ्ट करेंगे, ये देखो, ठीक है, आरपीएम थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन चलता है, फिर उसके बाद फर्स्ट गियर लगाएंगे, ये देखिए,
ये होती है दोस्तों इंजन ब्रेकिंग, समझे आप। मैंने एक्सेलेटर पे पैर नहीं करा, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी 10 के नीचे स्पीड आ गई, 40 की स्पीड से बिना ब्रेक लगाए मेरी स्पीड 10 पे आ गई। ये होता है दोस्तों इंजन ब्रेकिंग, ठीक है। अब इंजन ब्रेकिंग का हमें इस्तेमाल कब करना है वो समझिए। इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल हमें ऐसे रूटीन रोड पर नहीं करना होता है, इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल हमें रेयरली करना होता है। वो कब करना होता है, जब आप किसी डाउन हिल पर चल रहे हो, मतलब कोई पहाड़ है या फिर पहाड़ी एरिया है, हिल एरिया है, वहाँ से आप पहाड़ी से नीचे उतर रहे हो, डाउन हिल पर आ रहे हो, वहाँ पे हमें इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना होता है। अगर वहाँ पे आप ब्रेक पेडल का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे ना, तो वहाँ पे आपके ब्रेक पेडल जो ब्रेक शू होते हैं ना, वो हीट अप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ब्रेक फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ऐसे में। तो वहाँ पे हमें इंजन ब्रेकिंग का इस्तेमाल करते हुए डाउनशिप में अपने गाड़ी को डाउन में लेके आना होता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको चार तरह की ब्रेकिंग बताई है। सबसे पहली होती है नॉर्मल ब्रेकिंग, दूसरी मैंने आपको बताई है पैनिक ब्रेकिंग, उसके बाद मैंने बताई है आपको हाई स्पीड ब्रेकिंग, और उसके बाद मैंने लास्ट में आपको बताई है इंजन ब्रेकिंग। सारी चीज़ों को आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कहाँ कहाँ पर हमें कैसे कैसे ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है। अब इन सारी चीज़ों को आप याद रखो, और जब भी आप ट्रैफिक में या फिर ऐसे रोड पर जाओ तो आप ब्रेकिंग से याद रखो कि कहाँ पर हमें कौन सी ब्रेकिंग का इस्तेमाल करना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए होते चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।